हाय जानी, इट्स दैट टाइम ऑफ द ईयर अगेन जब अपना अकेलापन काटने को दौड़ता है। आप समझ ही गए होंगे, बसंत ऋतु है, बसंत का मौसम, मौसम है बहार का। और देखें, मुझे अभी तक इंतज़ार में बैठी हूँ। सर्दियाँ आईं, गुजर गईं, गर्मियों के आने की बात हो रही है, लेकिन मेरी ज़िंदगी तो अभी सर्द है, बिल्कुल सर्द। बसंत में तो मैं अपने आप को बिल्कुल ऐसे पाती हूँ जैसे कोई कटी पता नहीं, ये भी नहीं पता चलता कि डोर किसके हाथ में है। इस मामले में भाई पे बड़ा रश होता है, कम से कम वो ये तो जानते हैं, बल्कि वो क्या, सभी जानते हैं कि उनकी डोर किसके हाथ में है। लेकिन एक बात बतानी ज़रूरी है, डोरें कट भी जाया करती हैं, और अगर डोर धातु की हो तो बिजली का झटका लगने का खतरा रहता है, इसलिए ज़रूरी है कि इंसान अपनी डोर अपने हाथ में ही रखे। खैर, वो साहब आए हुए थे, आप सब तो जानते हैं कि पूरी की पूरी स्टेट मशीनरी, पूरी की पूरी हुकूमत उन्हीं को एंटरटेन करने में मसरूफ़ थी। अरे परवेज भाई, इतनी ही मेहनत हमारे गरीब लोगों को खुश करने में की जाती तो इतने लोग सड़कों पे कम से कम ना निकलते, खुशियाँ मना रहे होते। खैर, फॉर द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज दैट आई एम अ जनरेशन ओल्डर, नॉट वन बट मैनी। यू नो आई मेट नीनो, ज़ैनब्स ग्रैंड डॉटर, ज़ैनब बंदूक वाला, यू नो माई बेस्ट फ्रेंड, हर ग्रैंड डॉटर। कहने लगी, नाज़िया आंटी मुझे कोई स्टोरी सुनाए। मैंने कहा, वैसे तो मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी की स्टोरी सुना देती, लेकिन अभी तुम बच्ची हो और तुम तो जानती हो कि आई एम एडल्ट ओनली, तो इसलिए तुम्हें कोई और ही स्टोरी सुनानी पड़ेगी। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना उसको अली बाबा और 40 थीव्स की स्टोरी सुनाऊँ। तो बच्ची हंसने लगी, कहने लगी, नाज़िया आंटी आप किस ज़माने में रहती हैं, वो 40 थीव्स तो इलेक्ट होकर पार्लियामेंट में चले गए, अब बेचारे अली बाबा अकेले ही रह गए हैं। अरे मेरी तरह सोचिए, अब तो फेरी टेल्स भी कितनी करवाहट आ गई है। तो आप सोचें हकीकी ज़िंदगी में कितनी करवाहट होगी। लेकिन मैं हर वक्त खुशियाँ समेटने, रौन के समेटने की तगोदो में रहती हूँ। यूसुफ अली आप तो जानते हैं मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, ख्याल करने वाले हैं सकाफत का, सियाहत का। यूसुफ कॉल मी अप एंड सेड, नाज़ी बसंत आ रही है, व्हाई डोंट यू कम एंड स्टे विद मी एट माय हवेली एंड फील एट होम। फिर कहने लगा कि इस हवेली में सब कुछ है, सब कुछ, कमी है तो बस तुम्हारी, और आप जानते हैं कि मैं खुद खर्च बिल्कुल भी नहीं। एंड देन यूसुफ इज सच अ जान, आई फील सो एट होम एवरी टाइम आई एम हियर। तो मैंने सोचा कि आज की इस महफिल को यूसुफ की इस खूबसूरत हवेली में ही सजाया जाए, मौका भी है दस्तूर भी है। किसी भी खुशी का मज़ा इंतज़ार के बगैर अधूरा सा रहता है, और आप लोग तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं दैट आई हैव ऑलवेज बिलीव इन स्ट्राइकिंग द राइट बैलेंस। आज जिस पहले बसंती जोड़े को मैंने अपने यहाँ मधु किया है, उनको देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि मैं बहुत खूब जानती हूँ हाउ टू बैलेंस टू। माई फर्स्ट गेस्ट टू नाइट आर द हैंडसम पॉलिटिशियन कासिम ज़िया एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल डीवा ऑफ शो बिजनेस। तो मैंने सोचा क्यों ना सियासत और सकाफत का इंतजाज किया जाए। आई एम श्योर यू गोइंग टू हैव अ लवली टाइम एंड सो विल आई। स्टेप राइट इन, कासिम ज़िया एंड शाहिदा मिन्नी। कासिम, शाहिदा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुनाइट। तुम लोग मेरी दावत पर चले आए, मेरा दिल रखा, मुझे इज्जत दी, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। लाहौर की बसंत तो खैर अपनी जगह सब जानते हैं कि उसका अपना ही निराला मज़ा है। बीइंग अ लाहौरी योरसेल्फ, हाउ डू यू व्यू बसंत? आई थिंक इट्स अ फेस्टिवल जी, और लाहौर वाले तो ख़ास तौर पर आपको पता है बसंत पे बहुत ही खुश भी होते हैं और बसंत मनाते भी हैं, एंड आई थिंक बसंत मनानी भी चाहिए लोगों को। लेकिन इस साल थोड़ी सी हम सादगी से मना रहे हैं, जैसे कि आपको पता है इस घर में जो हमारा फैमिली हाउस है पुराना, और हमेशा यूसुफ और पूरी फैमिली मिलके बसंत मनाते हैं, लेकिन इस दफ़ा एज अ फैमिली तो हमने डिसाइड किया है कि बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक हम बसंत नहीं मनाएंगे, लेकिन लाहौर में बसंत मनाई जाएगी, सादगी से मनाएंगे बेसिकली। यू नो अभी आपने जिक्र किया कासिम यूसुफ का, आई एम वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ यूसुफ,
आई थिंक कि जितना एक त्यौहार को, एक ट्रेडिशन को जिंदा रखने में यूसुफ की कंट्रीब्यूशन है, इसको कोई नहीं इंसान छुटला सकता. एंड द बेस्ट थिंग अबाउट यूसुफ इज एवरी टाइम आई कम टू हिज हाउस आई फील सो एट होम, सो एट होम. लेकिन मुझे एक शिकायत है यूसुफ से, देखो मेरे आते ही भाग गया. I think he's probably scared of a scandal. But please tell him that we both crossed that stage in life. You know, we should worry about these things anymore. कहोगे ना यूसुफ से? जी मैं कह दूँगा. And I think उनको पता है इस बात का. बसंत खुशी का त्यौहार है. सच पूछो कासिम, तो मैं तो तुम्हें देख देख के खुश हो रही हूँ. आपकी मेहरबानी है, आपकी नज़रें करम है. बहुत शुक्रिया. लेकिन मुझे ये बताओ कि सियासत के अंदर हैंडसम होना, चार्मिंग होना, गुड लुकिंग होना किस हद तक एक लीडर बनने में या एक मास अपील क्रिएट करने में मददगार साबित होता है? आई डोंट नो जी, ये तो पब्लिक बता सकती है कि लुक से कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं. आई थिंक बेसिकली तो व्हाट यू से, व्हाट यू बिलीव. सच पूछो जान, तो मैं जब वोट देती हूँ तो सिर्फ गुड लुकिंग आदमी को ही देती हूँ. हाँ, तुम्हें ज़रूर वोट दूँगी, एतजाज एहसन को वोट दूँगी, नवाज़ को भी दे दूँगी. But don't expect me to vote for you know who. I don't know. जी आप किसकी बात कर रही हैं? हम तो सब अच्छे हैं. शायदा साथ बैठी मुस्कुरा रही है उस वक्त से. शायदा तुम्हारे लिए बसंत के क्या मीनिंग है, क्या क्या मायने हैं बसंत के तुम्हारे लिए? मेरे तो ज़्यादा प्रोग्राम्स होते हैं, दिन रात प्रोग्राम में होती हूँ बसंत के, और अभी भी प्रोग्राम से आ रही हूँ. जैसा मैंने सुना है कि बेगम नवाज़ शरीफ का प्रोग्राम है और मुझे आपने इतने प्यार से दावत दी तो मुझसे रहा नहीं गया. बहुत शुक्रिया शायदा कि तुम मेरे प्रोग्राम में आई, मेरी दावत पर आई. यू नो फील सो गुड. कासिम साहब से पहले मुलाकात कभी हुई? जी एक दफ़ा हमारा फंक्शन था पार्टी का. अच्छा, वहाँ तशरीफ लाई थी तो मुलाकात हुई. बसंत का एक ऐसा त्यौहार है जो बहुत तजील, बहुत फर्वर, बहुत स्पिरिट के साथ, जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है. ऑल लाहौरी सीम टू पार्टिसिपेट इन दैट. डोंट यू फील कासिम के इस त्यौहार को शायद थोड़ा लंबा कर किया जाए और इसको स्टेट मतलब प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया जाए तो हमारे मुल्क के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा? आपने ठीक कहा कि लाहौरी बहुत इन्वॉल्व होकर बसंत मनाते हैं, लेकिन अब सिर्फ लाहौरी नहीं, मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान से लोग बसंत का त्यौहार मनाने लाहौर आते हैं. लाहौर वाले खुश होते हैं कि इतने मेहमान आते हैं और लाहौर दुनिया में जाना जाता है कि एक त्यौहार होता है और लाहौर के लोग जिंदा दलाने लाहौर वैसे ही बड़े वेलकम करते हैं मेहमानों को. मैं आपको सच बताऊं, खैर अब तो ठंड जाती रही, बाहर की आमद है, लेकिन मैं हमेशा लाहौरियों के बारे में एक बात ज़रूर कहती हूँ कि लाहौर में चाहे कितनी ही ठंड क्यों ना हो जाए, लाहौरी हमेशा गर्म रहते हैं. क्यों कासिम साहब? आई थिंक हमारा सही कहती हूँ ना? नहीं, आप ठीक कहती हैं. लाहौर वाले बड़े प्यार करने वाले लोग हैं. हाँ, साथ ये भी कहिए कि बहुत रोमांटिक प्यार करने वाले. मैं तो यही कहूँगा जी, आप लोगों से प्यार ही करेंगे, यही हमें, मैं समझता हूँ हमारा मज़हब भी. प्यार निभाना भी जानते हैं कि नहीं? जो प्यार करते हैं वो निभाते हैं. कि गुड़ियाँ उड़ाते हो? बचपन में बहुत उड़ाई हैं, लेकिन अब टाइम नहीं मिलता. और क्या क्या उड़ा लेते हो कासिम? डिपेंड करता है जी. कभी अच्छी तकरीर करके मुखालिफ के तोते भी उड़ा देते हैं. वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड. मुझे एक और बात ये बताओ कि अभी तुमने कहा कि गुड़ियों का शौक़ बचपन में उतर गया. गुड़ियों का शौक़ तो वक्त के ढलने के साथ साथ और बढ़ता रहता है कासिम, तुमने क्यों ये शौक़ इतनी जल्दी छोड़ दिया? अब मेरा ख्याल है कि आगे बच्चे जो हमारे हैं वो उड़ाते हैं गुड़ियाँ, हम अब देख के खुश होते हैं. और साथ ही है कि जो जिस प्रोफेशन में मैं हूँ उसमें टाइम कम मिलता है. दैट्स ट्रू. आज मुझे इतना अफसोस, मेरी कासिम से पहली मुलाकात, इनके बारे में इतना कुछ सुन रखा था, इतनी तारीफें सुन रखी थीं, इतनी अच्छी अच्छी बातें सुन रखी थीं. कासिम, हाउ मेनी किड्स यू हैव? I've got 3 माशाल्लाह, one son and 2 daughters. माशाल्लाह माशाल्लाह. एंड स्कूल गोइंग? और माय सन इज इन कॉलेज, ही इज स्टडिंग इन लंदन एंड माय डॉटर्स आर हियर विद मी. अच्छा, हाय जानी, तो इसका मतलब बच्चे इतने बड़े हैं कि अपना ख्याल खुद रख सकते हैं. जी अल्लाह के फजल. अच्छा, और बेगम के क्या हाल चाल है? बेगम ठीक ठाक है माशाल्लाह. इस दवाजी ज़िंदगी ठीक गुजर रही है कासिम? माशाल्लाह बहुत खुश हूँ. कभी कोई कमी महसूस नहीं की? नहीं, कभी नहीं की. कभी नहीं की. हाय दैट्स वेरी स्वीट. आई एनवी योर वाइफ, आई रियली डू. तुम्हारे शादी के बारे में क्या तासुरात? शादी के बारे में बहुत अच्छे तासुरात हैं माशाल्लाह. टचवुड, बहुत कामयाब शादी हुई है मेरी और बहुत अच्छी निभ रही है और शादी करनी चाहिए. मुझे तो आपकी जवानी देखकर बहुत तरस आता है. रिश्ता भी आ चुका हुआ है
कहाँ? दूल्हा सामने भी बैठा हुआ है। हाँ, यहाँ से रिश्ता आ गया? आ गया। हाय, मुझे तो किसी ने खबर ही नहीं दी, पहले बताया होता तो मैं कुछ कम से कम फूलों की टोकरी या मिठाइयों की टोकरी का बंदोबस्त तो कर लेती। मेरा नहीं ख्याल, मेरा कोई इरादा दूसरी शादी का। हाय अल्लाह माफ करे, मेरे साथ तो धोखा हो गया। मैंने तो एक सियासतदान को बुलाया था। यूसुफ कहाँ हो तुम? जानी इधर आओ, धोखा हुआ है मेरे साथ। मैंने तो एक सियासतदान को बुलाया था। हाय, कौन सा सियासतदान है इस मुल्क में जो सिर्फ एक शादी करता है? कासिम, नहीं, शादी एक ही होनी चाहिए। मैं बैठा हूँ आपके सामने और बहुत सारे हैं और भी। और फिर मजे की बात ये कि सियासत में कामयाब भी हो। मुझे ये बताओ कि द वे यू स्पोक अबाउट अपनी दीदी के बारे में तुमने बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन हैविंग अ लीडर लाइक बेनज़ीर पिंकी, एक औरत की लीडरशिप या एक औरत बीइंग इन दैट स्टैचर इन दैट पोजीशन, क्या जो मेल जो कारकुन होते हैं या जो बाकी हजरात होते हैं उनकी मेल ईगो चैलेंज नहीं होती इससे? नहीं, मैं नहीं समझता ऐसी बात है जी, क्योंकि मोहतरमा का इतना स्टैचर है, इतनी उनका विज़न है, इतना उनके सियासत में जद्दोजहद है कि आई हैव माई कन्विक्शन कि शी इज़ द बेस्ट पर्सन फॉर पाकिस्तान एज फॉर द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान इज कंसर्न। दैट्स व्हाई आई एम वर्किंग फॉर एंड विद हर। उम्मीद की जा सकती है कि वो जल्द वापस आएंगी? उम्मीद नहीं, इंशाल्लाह यकीन है। अच्छा, वो इस साल वापस आएंगी। आर यू इन टच विद हर? जी, वी आर इन टच विद हर। सो व्हाट्स द डिले, व्हाट्स स्टॉपिंग हर फ्रॉम कमिंग बैक कासिम? शी इज़ रेडी टू कम बैक, बट आपको पता है एक पार्टी में ऑर्गेनाइजेशन होती है, हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, जिस दिन वो फैसला करेगी हतमी डेट का उस दिन आएंगी। लेकिन एक फैसला हो चुका है पार्टी का कि इंशाल्लाह जो कमिंग इलेक्शंस हैं उससे पहले मोहतरमा मुल्क में होंगी। यू नो कासिम, आई रियली लाइक योर नेम, मुझे तुम्हारा नाम पसंद है, मोहम्मद बिन कासिम जैसा, यू नो, कॉन्करर्स, बहुत स्ट्रॉन्ग नाम है ना? बिल्कुल कासिम। वैसे एक बात है, यू नो दैट कासिम वाज इन अ हॉकी टीम, ही वाज अ हॉकी प्लेयर बिफोर। अच्छा, ये हॉकी खेला करते थे। और मैं कहती हूँ कि दोनों पार्टियाँ बड़ी खुशकिस्मत हैं। एक पार्टी के पास अख्तर रसूल है विद हिज हॉकी, एक पार्टी के पास कासिम ज़िया है विद हिज हॉकी। मुझे बताओ कि हॉकी प्लेयर को सियासत में किस तरह दिलचस्पी हो जाती है? हॉकी ने जो कुछ मुझे दिया, अवाम ने जितना प्यार दिया, जितना फेम मिला हॉकी की वजह से, आई एम ट्राइंग टू गिव बैक टू माय पीपल के दुनिया में मेरे मुल्क के जो अवाम हैं, अगर उनकी मैं मदद कर सकूँ अपने इस नाम से, अपने किरदार से, तो मुझे उसमें खुशी होगी। तो देखो, इसके पीछे तो मोटिवेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है, माशाल्लाह इतनी स्ट्रॉन्ग। शायदा, तुमने बहुत बड़ा नाम कमाया फिल्मों में, बहुत इज्जत कमाई, बहुत शोहरत कमाई, और फिर तुमने फिल्में छोड़ दी। कभी कभी मिस करती हो फिल्मों में काम करना? नहीं, ऑफर्स तो मुझे अब भी होती हैं और छोड़ा नहीं मैंने, लेकिन बस जी नहीं चाह रहा। कुछ अपने गाने में इतनी मसरूफ़ हो गई हूँ और उसी में मैं मसरूफ़ हूँ और साथ में कंपोजिशन भी दे रही हूँ, तो एक वक्त में इतने सारे काम तो बहुत मुश्किल हो जाते। कर सकता है लेकिन लेकिन फिर वो जैसे कि मुझ जैसा जुनूनी और पागल बंदा जो बिल्कुल सोचता है कि मैंने इस काम को करना और परफेक्ट करना इस काम को। सो इसलिए पिक्चर्स भी, कासिम साहब आप देखते हैं पिक्चर्स? जी, कभी कभी मूवी जरूर देखते हैं। आजकल जैसी फिल्में बन रही हैं फाश की उसमें ज़्यादा है, और इस किस्म की फिल्मों में तो मैं कभी भी काम नहीं करूँगी। सो जैसे कि पहले स्टोरी लेकर चलते थे, कहानी होती थी, डायरेक्शन होती थी, अब स्टोरी भी कहीं नज़र नहीं आती और डायरेक्शन भी कहीं नज़र नहीं आती। आर्टिस्ट होते हैं वो अपनी मर्ज़ी से, बस ये कि हम फैशन कर लें। हाँ, कैरेक्टर में रहते हुए आदमी फैशन करे तो अच्छा भी लगता है, लेकिन जब कैरेक्टर से हटकर आप इतना फैशन करें तो वो सूट ही नहीं करता। एक गांव की लड़की और वो इतनी मॉडर्न हो गई है तो वो तो बिल्कुल सिंक ही नहीं करता। और फांसी भी सख्त बहुत ज़्यादा है, मतलब ये कि फिल्म हो या गाना हो, टीवी हो या स्टेज हो, एक पॉजिटिव मैसेज होना चाहिए, हमें मैसेज देना चाहिए कि हम एक अच्छी चीज़ दे रहे हैं। ये नहीं कि हम माशरे को ख़राब कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें दे रहे हैं कि उनको ख़राब करें हम लोग। तो मैं तो ऐसी किसी भी जगह पर काम नहीं करना चाहूँगी जहाँ पर इस किस्म का मैसेज दिया जाए। हाय जानी, आई कैन रिलेट टू यू सो वेल, मैं समझ सकती हूँ तुम क्या कह रही हो, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ, लेकिन आहिस्ता बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। संगीता है ना, आने वाली है भी, अगर दीवारों ने कहीं उसको शिकायत लगा दी तो कहीं मायने कर जाए। अपनी है वो हमारी। मैंने संगीता जी के भी उनकी डायरेक्शन में भी काम किया, बहुत अच्छी डायरेक्टर हैं, इंसान बहुत अच्छी, बड़ी बहनों की तरह हैं, बहुत प्यारी दोस्ती हैं।
उस वक्त संगीता जी से ये ज़रूर आप क्वेश्चन कीजिएगा कि उस वक्त की फिल्म में और आज की फिल्म में क्या फ़र्क है, वो आपको बताएंगी। यू नो अभी साहिरा काज़मी आई मेरे पास और मुझे उसकी बात बहुत अच्छी लगी, एंड ज़हीर जानू ऑफ कोर्स, ज़हीर अब्बास विद हर आल्सो, एंड वी वर हैविंग दिस कन्वर्सेशन अबाउट मैरिज एंड कपल्स एंड मेकिंग अ मैरिज वर्क रियली। तो साहिरा की और राहत दोनों की, ज़हीर की बहुत अच्छी मुझे बात लगी। उन्होंने कहा कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पार्टनर्स टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद ईच अदर एंड एट द सेम टाइम गिव ईच अदर दैट स्पेस एंड हैव दैट फेथ इन ईच अदर, सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एंड कीप्स द टू बाउंड टुगेदर। डू यू एग्री विद दैट? यस, आई थिंक अनलेस के आप एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग हो और स्पेस कह लें अंडरस्टैंडिंग कह लें, वो एक ही बात है मेरी नज़र में। और जिस प्रोफेशन में मैं हूँ आज, मैं सियासत करता हूँ, मेरा तो कोई टाइम ही नहीं होता। कभी लेट नाइट भी ट्रैवल करना पड़ता है, कभी सुबह सुबह घर से जाना पड़ता है, अपना टाइम फैमिली का पार्टी को देना पड़ता है, लोगों को देना पड़ता है। तो आई थिंक आई एम वेरी लकी इन दैट रिस्पेक्ट के माई वाइफ इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग और मेरा ख्याल है मुझसे ज़्यादा वो मुझे स्पेस देती हैं। हाय, दैट्स सो स्वीट ऑफ हर। कंजूस तो नहीं तुम्हारी बीवी? नहीं, आई डोंट थिंक। अगर थोड़ी सी स्पेस अपने लिए मांग लूँ तो दे देगी ना? मेरा ख्याल है पूछना पड़ेगा, लेकिन अब मेरा नहीं ख्याल कि आजकल दुनिया में औरतें ऐसी स्पेस किसी को देंगी। अगर ये बात आपसे पूछी जाए तो शायद आप भी किसी को ना। बीवी कभी जान, मेरे पास कोई जगह नहीं स्पेस देने वाला। बीवी कभी जी, मैंने पहले अर्ज किया कि ये एक वाहिद चीज़ है जिसमें शायद औरत स्पेस ना दे। मुझे तो कहा बीवी कोई स्पेस नहीं देगी। मैंने कहा ये एक ही बात है कि बेगम जो भी हो वो कभी, या औरत की मैं बात करूंगा कि औरत कभी नहीं चाहेगी कि कोई और औरत उसकी जगह या थोड़ी सी भी जगह ले। औरतों के बारे में और क्या क्या जानते हो कासर? औरतों के बारे में जी, औरतों के बारे में ही जानना चाहिए। जब आप पैदा होते हैं तो माँ को देखते हैं और माँ से आप शुरू होते हैं औरत को देखना, फिर बहनों को देखते हैं, फिर बीवी को देखते हैं, फिर बेटी को देखते हैं। तो औरत के बगैर तो ज़िंदगी अधूरी है किसी स्टेज पे भी ज़िंदगी में। एक रिश्ता मिस करते जा रहे हो कासिम जी, मोहब्बत कभी नहीं की तुमने शादी से पहले? सच्ची बात तो ये है जी कि बचपन में ऑब्वियसली माँ से मोहब्बत, उसके बाद हॉकी से मोहब्बत, फिर शादी हो गई और फिर सियासत से मोहब्बत। वेरी डिप्लोमैटिक आंसर, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू नाउ, वेरी वेरी डिप्लोमैटिक आंसर। शायद देखो किस तरह बात को गोल कर रहे हैं मोहब्बत की। हॉकी खेलता था, गोली तो करूँगा। तुम बताओ, बल्कि तुमसे ये पूछना चाहिए कि इन हसीन आंखों से किस किस ने मोहब्बत की? मैं तो बिल्कुल सही बात करती हूँ कि पहले सबसे ज़्यादा तो मुझे अपनी माँ से बहुत प्यार था और है भी। अल्लाह उनकी बहुत लंबी ज़िंदगी दे तंदुरुस्ती के साथ। मुझे अपनी माँ से बहुत प्यार है, लेकिन हर प्यार अलग अलग होता है। माँ से और प्यार होता है, बाप से माँ बाप का और प्यार है, बहन भाई का और प्यार है, और जब आप अपने लवर से प्यार करते हैं वो और होता है, और लवर से फिर जब आप शादी कर लेते हैं तो जब औलाद हो जाती है तो वो और प्यार मजबूत हो जाता है। सो मैंने भी प्यार किया और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि जब मैंने प्यार किया तो वो मैंने हासिल भी कर लिया। बहुत ऐसे लोग होते हैं कि जिनको प्यार करते हैं वो वहाँ तक पहुँचते नहीं, उनका नसीब नहीं होता। लेकिन मैंने अपने मियाँ से प्यार किया, उस वक्त वो मेरे मियाँ नहीं थे, हम बड़े अच्छे दोस्त थे। सो हमारी शादी हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक वो प्यार कायम है, बल्कि उससे ज़्यादा है। बल्कि मेरा बेटा माशाल्लाह, हम में बहस भी होती है। मैं तो जब मेरे मियाँ ज़्यादा प्यार करते हैं बेटे से तो मैं जेलिस हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ कि नहीं, मैं शेयर नहीं कर सकती अपना प्यार, चाहे मेरी औलाद हो चाहे कोई भी हो। तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ, मैंने प्यार किया, सो मैंने उसको पा लिया। लेकिन पाकर भी ये नहीं कि आपको सब कुछ मिल जाता है, थोड़ी सी बेचैनी होनी चाहिए। और मैं बड़ी बेचैन रू भी हूँ और मैं अभी तक भी वहीं हूँ जहाँ मेरा प्यार स्टार्ट हुआ था। मैं वहीं देखना चाहती हूँ और मैं अपने मियाँ से भी कहती हूँ ये बात कि हम अभी तक भी अच्छे दोस्त हैं। बल्कि क्यों कासम, एक बीवी में आपको सब एक चीज़ नज़र आनी चाहिए, हर रिश्ता नज़र आना चाहिए। नहीं, आई थिंक आपकी अगर आपस में हस्बैंड एंड वाइफ की दोस्ती नहीं है तो रिलेशनशिप अच्छा चल नहीं सकता। बल्कि मेरे इस शोबिस में जो मैं काम कर रही हूँ, मेरे मियाँ की बड़ी हेल्प है, वो बहुत मुझे हेल्प करते हैं। वुड बी वेरी इंटरेस्टेड इन नोइंग शाहिदा के माशाल्लाह यू आर एन अमेजिंग परफॉर्मर,
तुम बहुत एक बड़ी परफॉर्मर हो, बहुत सारे लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे ये बताओ कि एज अ हस्बैंड, बिकॉज मोस्ट पीपल कासिम, इफ अगर मैं गलत नहीं कह रही, तो मोस्ट मैन वुड नॉट बी वेरी कम्फर्टेबल विद द फैक्ट आउट ऑफ शेयर पोजेशन. कभी तुम्हारे शौहर तुमसे तुम्हारे मामले में पोजेसिव नहीं होते कि तुम्हें कोई और ना देखे, तुम्हें कोई और ना चाहे, तुम्हारे बारे में कोई और नहीं सोचे? वो बिल्कुल होते हैं, होते भी होंगे और ज़रूर होते हैं वो. लेकिन मुझे इतना ज़्यादा शौक है कि मैं शो पीस में हूँ, मैं गाती हूँ और मुझे सपोर्ट करते हैं, उसके बावजूद ये उनका प्यार ही तो है कि वो सब कुछ ही बर्दाश्त कर रहे हैं. इसके पीछे भी तो एक प्यार है. मैंने सुना कि अच्छा मैं बता दूँ कि मेरे मियाँ ऐसे हैं कि जब आप मिलोगी ना तो आपको बहन कह देंगे. उनके मेरे अलावा बहुत सारी बहनें हैं. हाँ लेकिन ये कि एक रिश्ता यहाँ भी था, लेकिन इनकी भी ऑलरेडी ये दूसरी शादी करना नहीं चाहते. लेकिन एक रिश्ता है मेरी नज़र में, अभी उम्मीद है. मेरे एक भाई बने हुए हैं, मैं उनसे आपकी बात करूँगी शादी की, रिश्ते की. और मुझे पता है कि आप उनको बहुत अच्छी लगती हैं. मैं आई डोंट वांट टू साउंड बोस्टफुल, मैं शो नहीं मारना चाहती तुम्हारे सामने, लेकिन रिश्तों की कमी नहीं, मुझे बड़े रिश्ते हैं, बड़े उम्मीदवार लाइनें लगाए खड़े हैं मेरे पीछे, मेरे इंतजार में, एक हाँ के इंतजार में. क्या बात है. लेकिन क्या करूँ, कुछ लोगों को दिल देखकर दिल रुक सा जाता है, डिसीजन ही नहीं ले पाती, सबको टांगा हुआ है हुक के ऊपर. अच्छा, कमिंग बैक टू पॉलिटिक्स, सियासत आपका शोभा है, आपका प्रोफेशन है, आपका पैशन है, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन. जो सियासी सूरत हाल चल रही है, 2007 के इलेक्शन के बारे में भी क्यास आराइयाँ हो रही हैं दैट मुशर्रफ साहब माइट बी डिलेइंग द इलेक्शन, ये किस हद तक सही है? मैं समझता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है हमारे मुल्क के इलेक्शन को डिले किया जा सके, और उसी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं. लेकिन सिर्फ वक्त पे होना ही ज़रूरी नहीं है, फेयर एंड फ्री होना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अंडर ऑटोनमस इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन का होना बड़ा ज़रूरी है. क्योंकि आपने देखा, जब इलेक्शन के रिजल्ट चेंज किए जाते हैं और रिगिंग की जाती है, तो फिर ऐसी हुकूमतें बनती हैं जो आजकल चल रही हैं, और फिर इसीलिए आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलता, महंगाई बेरोज़गारी बढ़ती जाती है. और इसलिए आज तमाम अपोजिशन इकट्ठी होकर इसी बात पे जक जबान है कि जी फेयर एंड फ्री इलेक्शन की बात होनी चाहिए. मैं लाहौर आई हुई हूँ कासिम, और मैंने सुना है कि लाहौरी बहुत मेहमान नवाज होते हैं, कैसे एंटरटेन करोगे मुझे? आप बिस्मिल्लाह, आप मेरे अभी भी आप मेरे घर पे बैठी हैं, मेरा पुराना फैमिली घर है, लेकिन जहाँ मैं आजकल रहता हूँ, आई वुड लाइक कि आप आइए, हमारे साथ खाना खाइए, चाय पीजिए, मेरे बच्चे वाइफ भी आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे. हाँ, मैं भी यकीनन खुशी होंगी आपके बच्चों से मिलके, आपकी बेगम साहिबा से मिलके बहुत खुश होंगी. मुझे यकीन है कि वो भी बहुत खुश होंगी, बल्कि हम शायद इतनी खुश हो जाएं कि आपके तमाम मसाइल ही ख़त्म हो जाएं. यू नेवर नो शायद. हाउ टू डील विद दीज मैन, टेल मी हाउ टू डील विद दीज मैन, कैसे काबू में रखें, मुझे बताओ तो सही, गुड़ तो मुझे दो, कैसे काबू में रखा है तुमने अपने शौहर को, मुझे भी बताओ, मैं भी किसी आदमी को इस तरह काबू में रखूं? मैं आज बता कर जाऊंगी, अब मुझे बताना ही होगा कि आदमी को काबू रखना हो तो सबसे पहले औरत को अपना कैरेक्टर अच्छा रखना चाहिए, और फिर वो उसका ख्याल रखे, उससे प्यार करे, उसको मतलब कि जैसे कि मेरे मियाँ मेरे ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस करते हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी क्या कहते हैं कि मतलब मैं ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उनके कोई आगे से भी गुजर जाए वो ऐसे देखें, मुझे ये भी अच्छा नहीं लगता. इसलिए कि मैं किसी की तरफ ऐसे नहीं देखती. मैं कहती जब मैं नहीं देखती तुम क्यों देखते हो? तो जब आप अपना कैरेक्टर अच्छा कर लेंगी ना तो बस आप काबू में कर लेंगे. ये गुर है मेरे पास. मुझे ताने तो नहीं दे रही कहीं मेरे कैरेक्टर पे? तो अरे नहीं, शक नहीं. बेगम नवाजिश, आप तो इतनी हसीन हैं, इतनी अच्छी हैं, इतनी आपका कैरेक्टर इतना अच्छा है. मैं तो एक बात कर रही हूँ कि औरत जब अपना कैरेक्टर अच्छा कर ले तो वो आदमी को काबू में कर लेती है. क्यों का सुन? और प्यार, आई थिंक प्यार और ग्लैमरस भी होनी चाहिए ना. आपने पहले बात की अंडरस्टैंडिंग एंड गिविंग स्पेस टू ईच अदर, अगर वो दोनों चीज़ें हो तो आई थिंक अच्छी गाड़ी चलती है जिंदगी. आप मुझे बताइए कासिम साहब, हाउ आर यू विद टेकिंग चैलेंजेस? मैंने तो जी हमेशा चैलेंज एक्सेप्ट किया. मैं समझता हूँ आज सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने या मेरे सामने कम से कम ये है कि इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत आए, अवाम के को रिलीफ मिले, और ख़ास तौर पे जो मोहतरमा के ख़िलाफ़ बेबुनियाद मुकदमात बनाए जा रहे हैं वो ख़त्म हो और अवाम का भला हो. तो मुल्क को ठीक करना बहुत बड़ा चैलेंज है जी, और मुल्क में आइन का राज और अवाम का राज कायम करना बहुत बड़ा चैलेंज है.
बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने कहा सामने मैं बैठी हूँ, मेरी बात करोगे, यू नो शायद इसीलिए मैं इस मुसम्मात जमहूरियत से ना बहुत जेलस फील करती हूँ। बिल्कुल सही, क्योंकि अगर मैस अपील में बेगम नवाज़िश अली ने किसी से मार खाई है तो इस निगोड़ी जमहूरियत से। जिसको देखो जमहूरियत का प्रचार, जिसको देखो जमहूरियत का प्रचार, मुझ में क्या कमी है कासिम ज़िया? नहीं साहबा, माशाल्लाह आप में कोई कमी नहीं है, लेकिन बात यह है कि आपकी तारीफ से हम तो नहीं घबराते, लेकिन जो चीज़ पूरे मुल्क के लिए ज़रूरी है वो पहले करनी चाहिए। सही कहा, नहीं दैट्स अ वेरी वेरी नोबल थॉट, इसीलिए तो मुझे इतने अच्छे लगे। अच्छा ये बताओ कि मौसीकी सुनते हो? जी गाने। किस किस्म की मौसीकी पसंद करते हो? मौसीकी में ज़्यादातर तो जी आरफाना कलाम और कवालियाँ मुझे पसंद हैं और गज़लें का। शाहिदा मैं जानती हूँ कि तुम गले से कम आँखों से ज़्यादा गाती हो, एक गाना हमारे लिए, हमारे देखने वालों के लिए, अपने बहुत से चाहने वालों के लिए। लगे ना हो बलमा तिहारे बिना घर आ जा घर आ जा बलम खर आ रे जिया लगे ना हो बलमा लगे ना हो बलमा रे हे जिया लगे ना हो बलमा तिहारे बिना घर आ जा बलम घर आ जा ओ बलमा जिया लगे ना रैन जगाए मोहे तेरा ही रैन जगाए मोहे रैन रैन जगाए मोहे तेरा ही सपना कासे कहूँ मैं दुखवा अपना रे न जागूँ मैं बलमा रे न जागूँ मैं बल वाह वाह बहुत खूब शायदा, बहुत खूब। यू नो योर सॉन्ग
तुम्हारे गाने ने मुझे कहीं यहाँ दिल को जाके छुआ मेरे, और मुझे रह रह के सेंस ऑफ डिप्रिवेशन हो रहा था कि मेरा तो कोई बलमा भी नहीं जिसको मैं ये चीख के कह सकूँ कि घर आ जा रहे, घर आ जा रहे। और बुश साहब वैसे ही पहुँच रहे हैं। बुश का ये दौरा, हाउ डज वन सी इट? मेरा ख्याल है जी कि प्रेसिडेंट बुश का दौरा पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पे अहमियत का हामिल है और इस खत्ते के लिए अहमियत का हामिल है, और सिर्फ एज अपोजिशन हम ये कहेंगे कि प्रेसिडेंट बुश को इस मुल्क में भी हकीकी जमहूरियत के लिए और फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए ज़रूर कहना चाहिए, जो ऑलरेडी हमने देखा है, पढ़ा है कि उनकी ये बातें हैं कि वो हमारे मुल्क में भी फेयर एंड फ्री इलेक्शन चाहते हैं, और वो कह रहे हैं कि हम, हमारी नज़रें हैं इस मुल्क के प्रोसेस पे कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो। दैट्स ट्रू। कासिम, हु इज़ योर फेवरेट पॉलिटिशियन? ऑब्वियसली आई वुड से माय लीडर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। भुट्टो साहब तो मैं बहुत छोटा था जब वो सांसद करते थे, उनके बारे में पढ़ा है, लेकिन ये कहना कि जी वो पसंद नहीं है, ऑब्वियसली इस मुल्क में, लेकिन अवाम की सियासत में फिर कायदे अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, और अगर ये कन्विक्शन ना हो तो फिर मैं उनके साथ ना हूँ। मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब ने भी अब जो स्टांस लिया है और जिस हवाले से सियासत कर रहे हैं, खुशाइन बात है कि वो भी इस मुल्क में आइन के लिए और अवाम की बालादस्ती के लिए अब जदोजहद कर रहे हैं, और हम सब मिल के इस वक्त एआरडी में हम इकट्ठे हैं और एक ही हमारी जदोजहद है कि इस मुल्क में अवाम की और आइन की बालादस्ती हो। हाँ हाँ, जानती हूँ, ये तो तारीफ़ों की वजह समझ में आ गई। दोनों एआरडी में बैठे हो, दोनों अपोजिशन के अंदर हो, अभी तो दूसरे की तारीफ़ ही करोगे। ये बताओ कि परवेज़ मुशर्रफ के बारे में तुम्हारी क्या राय है? मैं समझता हूँ जी कोई ढकी छुपी नहीं है, हम समझते हैं कि इस मुल्क में जैनों का काम मुल्क की सरहदों की हिफाजत है और जैनों साहब को वो करना चाहिए, लेकिन इस वक्त चूँकि वो सियासत कर रहे हैं और इस मुल्क में आइन को ख़त्म करके सदर बने हुए हैं, तो उन्हीं के खिलाफ तो हमारी जिद्दोजहद है कि इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत आए। डू यू थिंक द मेजोरिटी ऑफ पीपल इन दिस कंट्री फील दैट वे अबाउट हिम? आई थिंक डेफिनेटली दे फील अबाउट इट। इफ देयर इज अ फेयर एंड फ्री इलेक्शन टुडे, पीपल वुड नो पीपल व्हाट पीपल फील। शाहिदा, तुम्हारी परवेज़ मुशर्रफ के बारे में क्या राय है? मेरी बहुत अच्छी राय है। मैं वैसे भी एक पाकिस्तान का फनकार हूँ और मैं न्यूट्रल हूँ, मैं उसके साथ हूँ जो मुल्क के साथ है, और मैं तो सब जगह ही चाहती हूँ। परवेज़ मुशर्रफ बहुत अच्छे लीडर हैं, हमारी बेनज़ीर बहुत अच्छी लीडर हैं, अल्ताफ़ सन बहुत अच्छे हैं, नवाज शरीफ बहुत अच्छे हैं, सभी बहुत अच्छे हैं, और मैं तो सब जगह पर जाती हूँ। लेकिन अब किसी एक के बारे में तो आप क्या क्या इरादे हैं आपके, क्या चाहती हैं आप? कुछ नहीं चाहती, मैंने कहा सभी अच्छे हैं, बस एक मैं ही बुरी हूँ, है ना? सभी की तारीफ कर दी। नो नो नो, यू, इफ आई वर टू आस्क यू कि अगर 19-20 के फर्क से तुम्हें कौन बेहतर लगता अच्छा, है, देखिए तुम क्या समझती हो कि ज़्यादा केपेबल कौन है, तो तुम किसका नाम लोगी? मैं सियासतदान नहीं हूँ, ना मुझे इस बारे में इतना पता है, मैं एक फ़नकार हूँ और मैं समझती हूँ कि जो मुल्क को अच्छा चला रहा हो वही अच्छा होता है, और वो कोई भी हो। बसंत के इस खूबसूरत मौके पर मेरे देखने वालों के लिए कोई पैगाम कासिम से? देखने वालों को एक तो मैं कहूँगा कि जी बसंत एक अच्छा त्यौहार है, आया है, खुशियाँ ज़रूर मनाइए, लेकिन खुशियों में उनको भी याद रखिए कि जो शायद ये नहीं मना सकते, या अर्थ को एक में जिनके साथ अल्लाह ताला की तरफ से एक नागहानी आफत आई है, हम सबको उन्हें याद रखना चाहिए और हमें हमेशा अपने से बढ़ के दूसरों की मदद करनी चाहिए। दैट्स अ वेरी गुड थॉट रियली। शायदा, एनीथिंग आप जो कहना चाहें मेरे देखने वालों को, अपने चाहने वालों को? मतलब ये कि इन्जॉय करें, पतंगबाजी करें, बसंत को मनाएं, जश्ने बहारा को मनाएं, लेकिन जाने ना ली जाएँ तो बेहतर है कि धाती तार का इस्तेमाल ना करें। सिर्फ इतनी सी बात है, ये हमारे अपने बच्चे हैं, हमारे अपने हैं, हमें इनकी हिफाजत करनी चाहिए। तुम भी लूटते हो कासिम? जी सॉरी, मैंने कहा तुम भी लूटते हो पतंगे? डिपेंड करता है जी, मेरा नहीं ख्याल है, अगर कोई हाथ ऊपर गिर जाए तो शायद उसको पकड़ लेंगे, लेकिन वैसे तो भागता नहीं हूँ पीछे पतंगों के। अगर कोई खुद ही लुटने के लिए तैयार हो तो फिर? ऐसी पतंग तो कोई है नहीं जो खुद लुटने के लिए तैयार हो, तो डोर पकड़नी ही पड़ती है। जान लोगे घर जाके सोचना कासिम ज़िया, जवाब तुम्हें मिल जाएगा, एक ऐसी पतंग तुम्हारे तसव्वुर में तुम्हें नजर आ जाएगी जिसका चेहरा भी है, जिसकी आवाज़ भी है। नहीं बेगम, आप ये बताएं कि आप कटी पतंग की बात कर रही हैं कि कौन सी पतंग की बात कर रही हैं? मैं एक ऐसी पतंग की बात कर रही हूँ जो बस है कहीं, लेकिन कटना चाहती है और जुड़ना चाहती है शायद कहीं।
लेकिन जो उसे उड़ा रहा है उससे तो पूछे वो कटवाना चाहता है कि नहीं उस बता के कासिम, इट वाज लवली हैविंग यू ओवर शाहिदा, मुझे बहुत खुशी हुई तुम्हारे आने से, बहुत अच्छा लगा तुम्हारे से बात करना। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया, तुमने इतना अच्छा गाया कि यकीन करो कि बहुत दिनों तक तुम्हारी आवाज़ के रस मेरे कानों में रहेगा। लेकिन मुझे इतना अफसोस हो रहा है इस बात का कि मैं 10 दिन से जाग रही हूँ, गला मेरा बैठा हुआ है और इतना अच्छा माहौल बना हुआ है, लेकिन सो फिर भी आपकी फरमाइश पर मैंने जैसा भी था मैंने पेश कर दिया। नवाज़ जी बहुत शुक्रिया शाहिदा, और देखो मैं जल्दी में पैकिंग करते वक्त अपनी सारी ज्वेलरी कराची भूल आई। अरे आपको क्या, आई डिडंट ब्रिंग एनीथिंग, आपको कुछ पहनने की ज़रूरत ही नहीं है, आप माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं। दो चार अंगूठियाँ दे दो ना, वैसे खर्चा याद आ गए, मुझे यही कहा करते थे कासिम साहब के होते हुए मुझे देने की तो ज़रूरत नहीं है। मैंने तो एक ही पहनी हुई है, वो मेरी मंगनी की है, आपके पास काफ़ी सारी हैं। हाँ मेरे भी मियाँ ने बहुत शौक कर शौक से लेकर दी। कासिम शादी की मंगनी पे मिली थी, बस एक ही मिली थी। हाँ चलो, यहाँ होती तो दो मिल जाती। चलो नहीं नहीं, बेगम बेगम साहिबा, मेरे भी मियाँ ने मुझे दी नहीं तो मैं आपको एक तो ज़रूर दे कर जाती, लेकिन चले फिर कभी सही, फिर कभी। हाँ थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, मुझे यकीन है कि आप लोगों को भी आज मेरे यहाँ कासिम ज़िया से मिलकर, शाहिदा मिनी से मिलकर बहुत खुशी हो रही होगी। बसंत का ये त्यौहार अभी जारी है, मैं यहाँ मौजूद हूँ, आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि एक छोटी सी ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होंगी विद टू वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटीज़, एंड आई मीन वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटीज़, सो डोंट गो अवे।